पश्चिम बंगाल ने हासिल किया गौरव का नया ताज, यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को हेरिटेज लिस्ट में किया शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। पश्चिम बंगाल ने गौरव का नया ताज हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्चर यूनिट यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को ने बुधवार को दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का ऐलान किया है। यह फैसला पेरिस में 13 से 18 दिसंबर तक होने वाली अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दूसरे दिन किया गया। यह न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस त्योहार की विशेष रूप में धर्म, लिंग और आर्थिक स्तर की बाधाओं को दूर करने के लिए सभी समावेशी दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा की गई थी। यूनेस्को की वेबसाइट पर लिखा गया कि दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण और सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक संपन्न मैदान के रूप में देखा जाता है। बता दें कि बंगाल सरकार ने यूनेस्को से दुर्गा पूजा की विरासत की सूची में शामिल करने का आवेदन किया था। अब यूनेस्को ने इस आवेदन को स्वीकार कर ली है। हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला ये एक अहम त्योहार है। इसे खास तौर पर बंगाल में मनाया जाता है। कुल 492 संस्कृति को यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इनमें से 14 भारत से है। 2008 में कुट्टियट्टम केरल में संस्कृत थिएटर अभ्यास है। वैदिक जाप वैदिक साहित्य के पाठ की एक प्राचीन हिंदू परंपरा। रामलीला हिंदू काव्य रामायण का एक पारंपरिक प्रदर्शन। 2009 में रमन उत्तराखंड राज्य में एक धार्मिक त्योहार है। 2010 में पूर्वी भारत का छऊ नृत्य 2010 में पूर्वी भारत का छऊ नृत्य राजस्थान के कलबेलिया गीत और नृत्य केरल से मुडियत्तु 2012 में लद्दाख में बौद्ध धर्म का जाप गुप्त बौद्ध का पाठ लद्दाख में मठों और गांवों में किया जाता है। जबकि मणिपुर के संकीर्तन अनुष्ठान गायन को 2013 में मिला। पंजाब के पारंपरिक पीतल और तांबे के शिल्प को 2014 में मान्यता मिली। 2016 में नौरूज और 2017 में कुंभ मेला। यह सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए जीवीएनएन न्यूज सिलीगुड़ी। धन्यवाद। जय हिंद।